पांडु प्रखंड के कुटमू पंचायत के बरवाही टोला में स्थित धजवा पहाड़ को बचाने के लिए पहाड़ के पास सातवें दिन बीत जाने के बाद भी धरने पर ग्रामीण जनता बैठी हुई है। जानकारी के अनुसार धजवा पहाड़ का अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों की एक टीम ने जल जंगल बचाओ अभियान के तहत पहाड़ को बचाने के लिए जंग छेड़ दी है। ग्रामीणों के कहने पर विश्रामपुर गांधी विचार मंच के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ उपाध्याय ने धजवा पहाड़ के पास धरने पर ग्रामीण जनता से मिलकर स्थानीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी से दूरभाष के माध्यम से बात की और ग्रामीणों की समस्या को बताया। अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ उपाध्याय ने बताया कि ग्रामीणों को जल्द ही न्याय मिलेगा। वहीं ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि जब तक इस पहाड़ का अवैध कब्जा नहीं रुक जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में जिला परिषद सदस्य अनिल चंद्रवंशी के साथ सभी दल के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होकर इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं। धरना पर बैठे हुए और धरना पर हम लोग बैठे हैं जल जंगल जमीन बचाने के लिए, जो कि अवैध रूप से लीज करा लिया गया है। और इस पर जो है से कि हम लोग का ये चरागाह भी है, इसके चारों तरफ खेती होता है, इसके चारों दोनों तीनों तरफ जो है से कि तालाब है, नदी है, और इससे हम लोग का बहुत सारा जो है से कि जीवन उपार्जन किया जाता है, चलता है इसे। और हम लोग के यहाँ पर जो है से कि खेती बाड़ी है, और इसको बचाने का जो है कि हम लोग इसलिए रखे हैं इसको कि ये धरोहर चीज़ है, और धरोहर चीज़ है, ये प्रकृति का चीज़ है, जो कि हम लोग का आज बहुत दिन से ये जो है देखा जा रहा है। इस पर रहने के लिए हर चीज़ का व्यवस्था, हवा पानी इसे मिलता है, और इसको जो है इसको बचा के हम लोग अपना प्रकृति को संभालना चाहते हैं। यही हमारा है बचाने का मूल मुद्दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश कुमार पाल, मैं वार्ड सदस्य हूँ, अपने कुटमू पंचायत का एक नंबर वार्ड सदस्य हूँ उमेश कुमार। ये हमारा है और हम इसमें बैठे हुए हैं और जोर लगा रहा है उन लोग, जब तक उन लोगों के पास हम लोगों को आकर के पुलिस वाला भी धमकाता है, तो लोग यहाँ बैठा कहे के लिए है, तो लोग को जेल में डाल देंगे। हम बोले भैया जब तक तुम लोगों को जो है पॉकेट में सुरेश सिंह का सिक्का खनक रहा है और शिवालिया कंपनी का सिक्का जो खनक रहा है, उतना देर तक मुजरा कर लो। और हम लोग तो बैठे हुए हैं, अभी मोड़ा पटकते रहो, अभी सिक्का खनक रहा है, तो हम लोग बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। प्रशासन भी पैसा लेकर के आकर के बीच बीच में हम लोगों का धमकाने का जो है सो की काम कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, तो चलता है। और बहुत अड़ियल तरीके से अड़े हुए थे जो है सो की सरकार भी अड़ी हुई थी केंद्र का, और हमारा जो है सो कि किसान एक साल तक जो है सो कि धरने पर बैठा रह गया, तो हम लोग उसी से इंस्पिरेशन ले करके यहाँ बैठे हुए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारा जायज मांग है, ये हमारा जो है सो कि जल जंगल जमीन है, इसको हम लोग क्या नाम है आपका? नहीं देंगे। क्या नाम? मेरा नाम संजय पाल है सर। कहाँ घर है? बरवाही। कौन प्रखंड में? पांडु प्रखंड में सर। सातवें दिन का धरना है सर, और सबसे पहले तो जो है सो कि अवैध तरीके से लीज कराया गया है। हम लोगों ने उससे जब काम लगाया तो मांगे, भाई तुम्हारा कभी यहाँ ग्राम सभा हुआ नहीं, कभी अगर लीज का पेपर है तो हमको दिखाओ, और पहाड़ का तो लीज हो ही नहीं सकता है। और हम लोग कथित तौर पे बोल सकते हैं, हम लोगों ने खनन विभाग में जा कर के पता किया तो वहाँ 1046 प्लॉट का लीज है, जबकि धजवा पहाड़ 1048 प्लॉट में है। तो इस तरह से हम लोग जल जंगल जमीन बचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए हम लोगों का नदी है, करीब 500 मीटर के अंदर ही अंदर है नदी, उससे हम लोग जो है सो कि पंप वम्प लगा करके हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये अगर जाएगा तो पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, हम लोगों को खेती बाड़ी करने में काफ़ी दिक्कत होएगा। इसमें बहुत सब पेड़ है, तो पर्यावरण के विषय में तो ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, बोलने का ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और ये हमारा पहचान है, ये हमारा पहचान है। अभी मेहता सर बोल रहे थे कि ये जो है सो कि झारखंड नाम का है पड़ा, अरे भाई ये हमारा पहचान है, यहाँ झाड़ झाखूर जंगल है, यही मेरा पहचान है। कारण तो जैसा कि हमारे अभी दोनों भाई ने बताया, कारण हम लोग का वही है, ये अवैध रूप से जो खनन यहाँ हो रहा है, इसके संबंध में हम लोग ने बहुत जगह इसका मतलब जिला में अपना प्रखंड में
इसका शांतिपूर्ण धारणा हम लोग दिया, इसके बावजूद किसी भी अफसर को यहाँ कान पे जू नहीं रेंगा। इसके बाद हम लोग ग्रामीणों ने यह तय किया कि शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी विचार से हम यहाँ अपने कार्यस्थल को घेर के बैठेंगे। इसी के आलोक में हम लोगों ने यहाँ आज सातवें दिन का शांतिपूर्ण धारणा प्रदर्शन कर रहा हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? मांग यही है कि अवैध तरीके से जो लीज हुआ है इसको निरस्त किया जाए, और जो पहाड़ का जितनी भी कटाई हुई है इसको भरपाई किया जाए, और हमारा जो भी क्षतिपूर्ति हुआ इसे हम इसको सरकार को या जिला प्रशासन को हमें पूर्ति करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार चंद्रवंशी। देखिए, ये लीज जो है, जो लीज का प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ये लीज नहीं हुआ है। लीज का प्रक्रिया है, ग्राम सभा अनुमोदित करता है, उसको पारित करता है कि हाँ यह लीज होना चाहिए, जन उपयोगी है। तो ग्राम सभा को जानकारी ही नहीं है कि यहाँ लीज हो रहा है। उसके बाद अंचल के द्वारा रिपोर्ट जाता है, उसमें बहुत सारा रिपोर्ट का बिंदु है, कोई जलाशय नहीं होना चाहिए, खेती योग्य जमीन नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, ये सब मामला है। तो ये लीज का जो प्रक्रिया अपनाया गया है वो सरासर गलत है। और लीज 1048 प्लॉट में हुआ है, 1046 प्लॉट में लीज हुआ है। जो हम लोग देख रहे हैं कि 1046 में कोई पत्थर नहीं है, धान का खेती लगा हुआ है और वह सिंचित भूमि है। तो 1046 का लीज करवा के और बदले में 1048 को अवैध रूप से तोड़ा जा रहा है। इसमें ग्रामीण का यह भी कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन भी हम लोगों के ऊपर दबाव बना रही है कि तुम लोगों को जेल भेज देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो ये तरीका गलत है, और जल जंगल जमीन का मामला है, गांव का पूर्ण अधिकार बनता है कि वह अपने जल जंगल जमीन का हिफाजत करे। इसके लिए आज का सातवां दिन का धरना है ये लोगों का, और इसमें मैं भी भाग लिया हूं, और मैंने माननीय विधायक से इस बिंदु पर बात भी किया है दूरभाष से, और आगे भी जा कर के और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से इस मैटर पर बात करूंगा, और सभी से आग्रह करूंगा कि यहाँ के गांव के लोगों का जो मांग है, इसलिए कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जब जनता चाहती है कि नहीं हमारे यहाँ खनन का कार्य जो अवैध हो रहा है रुके, तो उसको तो पदाधिकारी को और जनप्रतिनिधि को मानना चाहिए, इसलिए कि सरकार जनता की है। पांडू से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।